आज देश भर में बुराई पर अच्छाई के प्रतीक विजयादशमी के त्योहार को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। वहीं इंदौर जिला पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें आईजी डीआईजी ने विधि विधान से पूजन कर हर्ष फायर किया। असत्य पर सत्य की विजय, बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। दशहरा पर्व को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन दशहरा पूजा के साथ अस्त्र शस्त्र की भी पूजा विधान की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन शस्त्र पूजा से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। इसी के चलते इंदौर डीआरपी लाइन में शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया है, जिसमें आईजी हरिनारायण चारी मिश्र, डीआईजी मनीष कपूरिया, एसपी महेश चंद्र जैन सहित बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। शस्त्र पूजन के अवसर पर सर्वप्रथम लाइन में रखे शास्त्रों का पूजन हुआ। उसके बाद पौराणिक परंपरा का निर्वाह करते हुए पूजन हवन कर कद्दू काट कर पुलिस अधिकारियों ने बलि दी और इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने हर्ष फायर किया। ओम जय अम्बे गौरी कंचन तालवी आजत अगर कपूर बाती, ओ मैया अगर कपूर बाती से तुम राजत कोटि रतन जोड़ी। ओम जय अम्बे गौरी माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर जाए, ओ मैया अम्बो जगेरा सदा वसंदम ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा शिव। ओम जय अम्बे गौरी माघ सिंधु रवि। अरे यार, अरे यार, पीछे आ जा। आईजी हरिनारायण मिश्र और डीआईजी मनीष कपूरिया ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि देश स्वस्थ होने के बाद यह परंपरा का निर्वाह चला रहा है। इस परंपरा के चलते शास्त्रों की साफ सफाई और ऑयल ग्रसिंग तथा रखरखाव भी बेहतर होता जा रहा है। वहीं पुलिस विभाग ने सभी को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी और हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मनाने की अपील की है। दशहरे के दिन, विजयदशमी के दिन हम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आचरण को अपने जीवन में आत्मसात करें, यही संकल्प रहता है। मैं सभी नगर के वासियों को और सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और अपेक्षा रखता हूं कि इस त्यौहार के बाद ये संकल्प हमारे लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत बनेगा। शहर में सुख शांति रहेगी, सभी का जीवन सुखमय होगा। सभी को आज विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर पुलिस ने अपने सभी संसाधनों को विशेष तौर पर अस्त्र शस्त्रों की पूजा की और फातिफात पुलिस ने इस अवसर पर संकल्प लिया कि लगातार पुलिस का जो असामाजिक तत्वों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ जो अभियान चल रहा है वो लगातार चलता रहेगा। समाज में इस तरह का लगातार माहौल बना रहेगा जिसमें कि एक व्यक्ति जो कि कानून में आस्था रखता है, कानून का पालन करता है, वो पुलिस को अपना एक सहृदय मित्र समझेगा और अपराधी असामाजिक तत्वों के लिए पुलिस हमेशा एक अजेय दुर्गम चुनौती बनी रहेगी। सभी को आज विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर पुलिस ने अपने सभी संसाधनों को विशेष तौर पर अस्त्र शस्त्रों की पूजा की और फातिफात पुलिस ने इस अवसर पर संकल्प लिया कि लगातार पुलिस का जो असामाजिक तत्वों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ जो अभियान चल रहा है वो लगातार चलता रहेगा। समाज में इस तरह का लगातार माहौल बना रहेगा जिसमें कि एक व्यक्ति जो कि कानून में आस्था रखता है, कानून का पालन करता है, वो पुलिस को अपना एक सहृदय मित्र समझेगा और अपराधी असामाजिक तत्वों के लिए पुलिस हमेशा एक अजेय दुर्गम चुनौती बनी रहेगी। मुख्य तौर पर इस अवसर पर जो भी आयोजन हो रहे हैं, चाहे बीच में जो गरबा के संबंध में जो आदेश जारी किए गए थे, गरबा के संबंध में जो प्रावधान लागू किए गए हैं, अन्य जो आयोजन हो रहे हैं, उन सबों के लिए एक निहित जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है उसका पालन कराया जा रहा है। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।